दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बारे में। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के कई किस्से आज भी जीवित हैं। इस युद्ध में जिस तरह भारतीय जवानों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया, वो हमेशा भारत को गर्व की अनुभूति कराता रहेगा। लेकिन इन सब से अलग एक सैनिक ऐसा भी है जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका प्रमोशन होता रहता है, छुट्टी भी मिलती है। सुबह में 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और खाना भी दिया जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर वह सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया है जो मरने के बाद भी इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो जान लीजिए, उस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की। 1962 युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे जवान से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। वह जवान कोई और नहीं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के चमोली में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए। 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला किया था। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सैला टॉप के नजदीक धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी डेल्टा कंपनी का एक हिस्सा थे। मौके की नजाकत को देखते हुए जसवंत तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ हरकत शुरू कर दी। इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लड़ाई अगले 72 घंटों तक जारी रही। इसी बीच जसवंत अकेले ही चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। उन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन उन्हें पीछे नहीं धकेल सके। कहते हैं कि लड़ाई के बीच उन्हें हाई कमान से पीछे हटने के आदेश भी दिए गए थे। दरअसल उनकी टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोली बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। लेकिन जसवंत कहां सुनने वाले थे, उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो उन्होंने तय किया कि वह लड़ाई का तरीका बदलेंगे। इसके लिए उन्होंने नई रणनीति अपनाई। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं, साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जल्द ही जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं, मसलन वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वह अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे। वह कुछ इस तरह लड़ रहे थे मानो एक आदमी नहीं बल्कि पूरी बटालियन लड़ रही हो। हालांकि आगे वह चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर लिए गए। जब जसवंत को लगा कि वह पकड़े जाएंगे तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। चीन की सेना उनका सिर काट कर ले गई। लेकिन जब चीन को उनकी इस बहादुरी का पता चला तो उन्होंने उनका सिर सम्मान के साथ वापस लौटा दिया और उनकी प्रतिमा भी बनाई। भारतीय सेना ने उनका मंदिर भी बनाया है और वहां से बगैर सिर झुकाए कोई नहीं गुजरता। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं,
तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह पर कही गई ये बात भारतीय सेना के जवान ने साकार करके दिखाई। चीन भारतीय सेना के इस जज्बे को जानता है। शायद यही वजह है कि वो भारत की सीमा की तरफ कदम उठाने में कांपता है। दावा किया जाता है कि इस जंग में जसवंत ने अकेले ही करीब 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। दिलचस्प बात यह है कि जसवंत को शहीद हुए कई साल हो गए, लेकिन अरुणाचल के लोग मानते हैं कि वो अब भी जिंदा हैं और सीमा पर तैनात हैं। उनकी मान्यता कितनी मजबूत है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि लोगों ने उनकी याद में जसवंतगढ़ का निर्माण करा दिया। अगर आप जसवंतगढ़ गए होंगे तो जानते होंगे कि जसवंतगढ़ में एक ऐसा मकान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जसवंत इसमें रहते हैं। इस मकान में एक बस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं। उनके जूते नियमित रूप से पॉलिश किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन जसवंत इकलौते ऐसे शहीद हैं जिनका शहादत के बाद भी नियमित प्रमोशन जारी है। वर्तमान में वह मेजर जनरल के पद पर हैं। वैसे जसवंत को उनकी बहादुरी के मरणोपरांत महावीर चक्र जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया। शहीद जसवंत सिंह रावत पर 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड नाम की एक फिल्म भी बनाई गई। जसवंत सिंह की वास्तविक कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन स्थानीय लोगों के दिलों में वे आज भी जिंदा हैं। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि जब तक उनके अमर बाबा जसवंत सिंह वहां तैनात हैं, तब तक दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह के नाम से बुलाती है। दोस्तों, देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले जसवंत सिंह रावत की शौर्य गाथा, उनके देश के प्रति सच्ची निष्ठा ने आज उन्हें जसवंत सिंह से बाबा जसवंत सिंह रावत बना दिया। इस महान इंसान के जज्बे और देश के लिए दिए गए बलिदान को हम दिल से सलाम करते हैं।